कैथल में बिजली दफ्तर पर किसान ट्यूबवेल के लिए बिजली के कनेक्शन न मिलने को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आज एनएलओ पार्टी की तरफ से किसानों के इस धरने को समर्थन देने के लिए नैना चौटाला पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि कैथल में आज मैं किसानों को अपना समर्थन देने आई हूं, क्योंकि इनके साथ गलत हो रहा है। पैसा जमा कराने के बावजूद लंबे समय से इनको ट्यूबवेल के लिए बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हम इस चीज के पूरी तरह से खिलाफ हैं। सरकार को इनके वादे पूरे करने चाहिए। जहाँ जहाँ भी जन की आवाज आती है, जहाँ जहाँ भी लोग तंग है, परेशान है, वहाँ वहाँ आपको इंडियन नेशनल लोकदल नजर आएगी। अभी हम पीछे खेदड़ में भी समर्थन दे के आए हैं, यहाँ पे भी कैथल में भी हमारे भाई किसान भाई बैठे हैं, जिनके साथ ठगी हो रही है। पैसे जमा करने के बाद भी जब सरकार कनेक्शन ना दे इनको ट्यूबवेल के, तो इनके साथ सरासर नाइंसाफी है। हम इस चीज के खिलाफ हैं। सरकार को अपने वायदे पूरे करने चाहिए। वहीं एनएलओ सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बोलते हुए सुनैना ने कहा कि हम माननीय कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आज हरियाणा में तो एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वहीं पूरे भारत में हर जगह क्षेत्रीय दलों को टारगेट कर खत्म करने की तैयारी की जा रही है। इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए मुझे शंका है कि 2024 में चुनाव भी हो पाएंगे या नहीं। देखिए, हम आदरणीय कोर्ट का तो सम्मान करते हैं, जो उनका फैसला है वो हम उसका आदर करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी साइड में एक बात और कहना चाहूँगी कि आज आप पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हर जगह, ना केवल यहाँ पे, हरियाणा में तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया ही जा रहा है, लेकिन आप देखें आजम खान एक 10 बार रहे विधायक को बकरी के केस में उलझा के उन्हें जेल करवाई। उसके बाद आप लालू यादव जी का परिवार, मुलायम यादव जी का परिवार, हर जगह आप देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों को टारगेट किया जा रहा है। क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी मूड में दिखती है कि जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। आगामी मैं सोचती हूँ 2024 में क्या चुनाव भी हो पाएंगे क्या। वहीं निकाय चुनाव पर बोलते हुए सुनैना ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। हम निकाय चुनाव में सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे कि हमें उम्मीद है कि इस निकाय चुनाव में इनेलो उभर कर ऊपर आएगा। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल नगर निकाय चुनाव के लिए सक्षम है। हम अपने कैंडिडेट्स के साथ हैं, और जो भी हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो आने वाले समय में और जो पीछे रही हैं, हम उनको लोगों तक समझाएंगे, उनको बताएंगे, और आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल नगर निकाय चुनाव में उभर के सामने। बहरहाल किसान पिछले 19 दिनों से ट्यूबवेल के लिए बिजली के कनेक्शन न मिलने को लेकर अपने धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आज एनएलओ की तरफ से किसानों को समर्थन मिला है। अब देखना होगा कि किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचती है या नहीं, या फिर ये समर्थन सिर्फ एक चुनावी स्टंट तक ही रह जाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।